इसके गोड्डा मतलब दे दो मुंह में ये मैंने चाल आंधी नहीं मां आप झोटा ना ले मुंह आप दे दे 3 पचट रही है मैं कर ला ले पछली बार कान तो गलाने पड़ेंगे ना कान गड़ाओ आप आप गड़ाओ कान आपके कान आपके जिले में ना के काम चल रहा है और गोड्डा उतर गया ना बाय चांस झटका लग गया ऊपर ऊपर रखूंगी मैं आप झोटा ना देंगे पहले कहीं कहीं नहीं बैठा करते पेड़ पर गाला करते थे ऐसे मस्त ये छोटे 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 में यार कोई स्वाद नहीं आंदा बस ये बस ही बोर मदियो वाके में उतरा भी ना जा गया कितने पकोड़े पकोड़े बना ले दीदी पकोड़े पकोड़े बना लो मम्मी बिना पी ले या 4 बजे नो ले ना रे पकोड़े चक्कर में ले फिर छोटा मत ना दे रोक दे मैं अपने पाना तक रोकूं बुढ़े मानसा का भी क्या मैनी बुढ़े हो गए वैसे ही कह इसके बालक भी बार पढ़ने चले जाएं मैं बुढ़े हो जाएं हैं बुढ़े नहीं हो जाएं तो चली पकोड़े उड़ा दे इससे बात पे बुढ़े ने भी खवा दे राम राम जी सारे ने आज संडे है और आज है तीज आप सबने तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब हंसते रहो मुस्कुराते रहो और अपना ये तीज का जो फेस्टिवल है इसने अच्छे से मनाओ बारिश का मौसम हो रहा है ऐसे कति काले काले बादल आ रहे हैं हमने गाल रखी है पिंग जिस पे कि मैं बहुत कम झुली हूँ ती तो बहुत कम झुली हूँ मेरे पापा मम्मी निशान भाई जो भी है ना हमारे हमारे ताऊ के चाचा के सारे झूल लिए पर मैं नहीं झूली हूँ इस पिंग पे तो आज हम झूलेंगे कल थोड़ी सी झूली थी फिर इतना कुछ मज़ा ना आता खुद झूला है ना तो उसमें ज़्यादा मज़ा ना आता पर कोई और झूलावे ना तो फिर थोड़ी थोड़ा इंटरेस्ट सा बना है तो ये मेरे डैडी ने कहा कि भाई पकोड़े बना दो तो हम बनावे हैं पकोड़े मेरी मम्मी अंदर रसोई में जा रही है मेरी मम्मी की तो गोड्डे में दर्द है तो मैं सोचू हूँ मैं पकोड़े बना दूँ बिकॉज मम्मी रेस्ट करेंगी ज़्यादा तो वो बेटर है अगर काम करने लगी तो फिर भाई ज़्यादा दर्द हो जा सो बात है जब मैं हूँ तो जितना टाइम मैं हूँ तो मैंने काम करना चाहिए हर मम्मी थोड़ा रेस्ट कर लें तो इससे बढ़िया क्यों था तो मैं अंदर रसोई में जाऊँ हूँ अंदर रसोई में जा कर निशांत दिखाऊँगी सबसे पहले तो निशांत के करे है इस तरह मैंने इतनी देर पहले नू कही थी सोवे मत न्या सोवे नहीं एंड ही इज स्लीपिंग पोज देखो छोरे की सोन की ऐसी पोज में कोई सोया करे उठ जा मत सोवे हम कुछ नहीं कर सकते इस लड़की को एंड मेरी मम्मी पापा जी के बोलते ही रसोई में आके खड़ी हो गई हैं पकोड़े बनाने के लिए और मैंने इसी क्यों फीलिंग आ रहा है जो कर आप कई दिन में ऐसे सुथरे बन ठंड गए कुछ काम करने लग गए हो बिकॉज मैं है ना जब मैं तक थी ना तो मैं जब इनके व्लॉग देखा करती तो मम्मी नु सुरड़ी थी पड़ी रहती है तीज है ना आज मैंने भी नए कपड़े पहन लिए ना तीज नए कपड़े पहन रखे और मेरी मम्मी ने मेहंदी लगा ली मैं भी लगाऊंगी मेरी फेवरेट मेहंदी है यार मेरी भी आई फेवरेट है इसमें है ना ना तो ज्यादा टाइम लगता है इस मेहंदी में सुतरी भी लग गई इसी बार हां बढ़िया भी लग गया है क्विक क्विक है और लगा लो कोड्डे पर भी किसी टाइम भी बढ़िया लग गई है नहीं अच्छा मतलब मैं भी अगर मम्मी का कदे मेहंदी लगाऊं ना तो मेरी मम्मी नु क्या करे कि एक हाथ पे तो मेरा रुपया बना दिए हम ले ले वहां दो प्याज इतने इतने ये दो बहुत हां मेरे मोटे मोटे हैं देख ले फिर बीच में कट जाएंगे ये भी ज्यादा हैं ज्यादा वो नहीं ठीक सा और ले लेंगे दो तली एक तो लाल दो प्याज और आलू मैं तो आलू के खाऊंगी और मतलब आलू के भी खाऊंगी मैं दो ले ले तीन ले ले मोटे मोटे से तीन आलू लेमन अदरक बेसन छाड़ लिया है ओ मेरे हाथों में तो आलू भी नहीं आते हैं हाथ नहीं हाथ थोड़ी है और आज हमने लगाई है नेल पेंट
एक ब्लॉग में मैंने बनाए थे पकोड़े, तो आप सबने बहुत सारे कमेंट करे थे कि दीदी आप कैसे पकोड़े बनाओ हो, हमने भी ट्राई करने हैं, एक बार आप अपनी रेसिपी बता दो। तो मैं आप सबने बताऊंगी मैं पकोड़े कैसे बनाया करूँ, अगर आपने पसंद आओ तो आप भी ट्राई कर सको। कैमरा पकड़ ले, यो लड़का है ना उड़े बैठा था, जब मैंने सनू कहने तेरे पैसे नहीं देंगी, देख कैसे उठ का आया है, जिससे वीडियो बनानी थी, रुपया का लालची इंसान, वीडियो बना दे पैसे नहीं देंगी ना तो ठीक है। जो हम पकोड़े बनाए कर रहे हैं ना, वे बनाए कर रहे हैं प्याज के और आलू के, और आलू की और प्याज की दोनों की मैं अपने शेप दिखा दूं। जो ये प्याज हो है ना, जो सलाद में प्याज काटा कर रहे हैं, उसकी ऐसे रिंग्स निकाल लेनी है, और जो रिंग्स होंगी ना, जो उनकी विड्थ होगी ना, वो थोड़ी ज़्यादा मोटी लेनी है। जो सलाद में यूज़ करा कर, वह तो पतली पतली करा कर, जो पकोड़े में यूज़ करा कर वह थोड़ी मोटी, और ऐसे ही जो कर फ्रेंच फ्राइज बनाए कर ना, उस टाइप तक ये आलू काट लेने हैं। इसमें हम सबसे पहले थोड़ी सी मिर्च डाल देवा, थोड़ी सी मिर्च, मैं थोड़ी सी स्वाद अनुसार या फिर कलर अनुसार हल्दी, जब चीनी चीनी सी गिरा हूँ मैं, तो इसके अंदर हमने डालना है जीरा, थोड़ा सा आमचूर, अजवाइन भी डालूँ मम्मी इसमें, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े थोड़ा मसाले डालने मैंने, नमक स्वाद अनुसार कितना नहीं और पड़ेगा, नमक नमक का कोई अंदाजा नहीं आता उन्हें, गिरते थे मसाला गिरी अंदर, ये हमारा नमक आ गया है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे, और ये हमारा डब्बा बंद, और यह है मेथी, इसमें हम थोड़ी सी मेथी डालेंगे, मेथी कुछ ज़्यादा पसंद ना आए, थोड़ा सा भुट्टा करके इसका वो डाल दिया इसमें, ये मसाले मसाले में मिक्स कर लेगा, तो इसमें हम मैं 2 चम्मच तो डाला हूँ इसमें सूजी, हलवे वाली सूजी, हाँ जो हलवे बनाए, अरे थोड़ी छोटी सी चम्मच है तो आई फील 3-4 तो डाल भी देनी चाहिए, तो ये 4 चम्मच होगी इसकी, हाँ हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, मैंने रसोई बनाई हरी मिर्च की लाल मिर्च बना ली, और इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा आटा डाल के, आटा मतलब बेसन का आटा जितना इसमें चाहिए है, और फिर मैं दिखाऊंगी कैसा आटा बनाया मैंने, जो मैंने वो पेस्ट बनाया इसकी थिकनेस देख लो, बस मैंने ज़्यादा वो यूज़ नहीं करा है, ना ज़्यादा पानी यूज़ करा है और ना ज़्यादा बेसन यूज़ करा है, जस्ट इसकी हल्की सी कोटिंग हो जाए ना, इतना यूज़ करा है, ये तेल में कुक हो रहा है, ये
तेल के ऊपर ध्यान ना दे। आप हो जाएगा सही, बड़ा नमक गिर तेल में, गिर दो, ये रिफाइंड है ना, नारायण बनो नमक का लेकर आओ रहे हैं। यो दोन पूरियां का बच्चा हो है, ये जैसे सामनी लाएगी ना, क्यों कर बैठे हैं? वो मेरी चाल लकड़ गई, एक गाड़ी तो खा ली, चटनी लग रहा है। बढ़िया बन रहे हैं ना दिक्कत ही, चाल बन रहा है। करारे बिल्कुल करारे, कहीं भी नहीं खाने में मिलना ही चाहिए पकोड़े। बड़े हलवाइयां दो रबी ना पाए इतने करारे। हम बड़े नहीं, हम शेफ हैं मम्मी, शेफ। तेज का मजा आ गया तुम्हारे, तेज पूरी बहन आ गई है। नीचे बैठ के नहीं दीन थक जाए बेचारी खड़ी खड़ी तो। आज गुलगुले भी तो बनाए गए। गुलगुले बना दूंगी मैं, थम पहले पकौड़े खा लो। अनन चा काट दी बार, चाय पकौड़े, चाय पकौड़े। मन्ने प्याज की ये पकोड़े खाए पाछे ना, वे दूसरे पकोड़े खाओ ना, वे मोटे वाले वे कोनी पसंद आंदे। कने घरे आदमी मोटे मोटे पार कर उसने बीच का नर फिर अटक के रह कर, वो इतने स्वाद ना लागते, ये कने बढ़िया लागे। भाई तेज दिन हमने पूरी बनाई थी ना, तो आप रिकमेंड आ रहे मामा को के, तो भाई आ जाओ खा लो, आज को लो तो मैं खा रहा हूं। अरे पकोड़े बहुत बढ़िया हैं, मस्त बन गए। और जिसने प्याज के पसंद हो प्याज के बताओ, प्याज के आलू के मैंने तो दोनों मांगे। और जिसने आलू के पसंद है भाई आलू के बताओ, किस किस ने कौन से लेने हैं। दस पकौड़े तो मैंने खा लिए, दस और खाऊंगा, मजाक करा हो गया कि तुम्हें पके ना है। मैं मैंने गैस पे देख रही स्पीड तो जाने या गैस पर ले ले, इसमें पका है और पक लग रही है, खा ले खा ले, बुखार भी बोल रहे हैं। हां रोड कर दिया घंटा सीटे उठे लो। फेर लकड़ गए हैं मेरा बोल गए आप जग के ही फेर और वो खा गए सारे मेरा तो बत्ते ही ना लगे हरी फेर देखे भूखे जी को बता बहन सुरूपन का पेट गिल्ला डोल की बात करती डम। ये सारे अलवालू के लिए फिर लाग गए मेरी प्लेट में ना। उठपड़ो वरना भाई बाहर है मंदी मंदी बूंदारी है और अंदर पकोड़े और चाय का आनंद लिया जा रहा है। तीज का त्योहार मनाया जा रहा है, मस्त मजा आ रहा है। मेरी चटनी खत्म हो गई, सोच ले फिर चटनी एक पैकेट ले रहा है, वो निधि के लिए रख दिया है। ये खा लें पकौड़े, खा लिए पकौड़े, पीछे लग गए बढ़िया थे, स्वाद आ गया चा पकौड़े। और जब कोई बना के दे दे डबल स्वाद हो जाए। इतनी देर बना के खा ले नट है अनु करी, एक दो रह रही है, मैं बना लूंगी थोड़े रह रहे, मैं भूल जाऊं। तो पकौड़े सब ने खा लिए हैं और ये बारी है गुलगुले की। क्या सुतरे गुलगुले उतरे गोल गोल, दीदी ने ये बहुत पसंद आ गुलगुले। मीठा भी ना बनाया तो क्या बनाया, मीठा बहुत जरूरी हो ना त्योहार पे, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। हाँ। तो ये मन्ने भी बहुत पसंद है गुलगुले, गुलगुले नाम भी बढ़िया है इनका। तो ना रहा निशान पेट भर रहा फिलहाल तो।
बाकी ये इसी है, मैंने तो ये खा लू ना ऐसा जी कर दू और भी खा लू इन खाए जा रही सन का जी होती नहीं दिन करी मेरे बांध दिए थोड़े से लेकर जाऊंगी तो ईब शाम हो गई है और हमने पकोड़े बना लिए, गुलगुले बना लिए और झूल लिए अपना, तीज बना ली और ईब शाम का टाइम है तो शाम ने ईब तीज तूज खत्म, सब कुछ खत्म। ईब लाइट खाना खा कर सोवांगे बिकॉज पकोड़े वकोड़े हैवी हो जाए हैं तो फिर इतना ज़्यादा ईब खान का कोई मूड नहीं है। मैं कहूँ थी कि भाई चावल चूल बना लो फिर पापा चावल खाओ नहीं मुखा फिर रोटी भी बनानी पड़ेगी इस तो बढ़िया तो फिर रोटी बना लेवा रोटी खा लेवांगे सारे। तो व्लॉग ने यही एंड कर दे वहाँ, सारे वीडियो ने लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करते रहो। हमने पिछले व्लॉग में कही थी कि हम अगला व्लॉग स्पेशल देवांगे तो सॉरी हम वो व्लॉग नहीं दे पाए और बीच में तीज का त्यौहार आ गया था तो इसलिए हमने सोचा कि पहले तीज वाला व्लॉग डाल देते हैं और फिर वो दूसरा व्लॉग डाल देंगे जो स्पेशल है। वो व्लॉग कती रेडी है, वो व्लॉग पड़ेगा परसों शाम 3 बजे तो रेडी रही होगी।